हाउ टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहें, इस चीज़ को हम आज रिकवर करेंगे। और चार नेवर की आज हम बात करने वाले हैं। ये फोर नेवर अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आई एम श्योर के मतलब जो नेगेटिविटी है वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है नेवर से योर सेल्फ लूजर और वीक। होता है ना कई बार हम अपने आप को मतलब बोल जाते हैं कि आई एम अ लूज़र, आई एम अ वीक, मैं इस चीज़ में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। तो कभी भी ऐसी चीज़ें आप लाइफ में ना बोलें, कभी भी अपनी सेल्फ को आप जो है एक लूज़र या वीक कभी भी उस चीज़ को प्रूफ आप मत करो। अगर आप भी ये चीज़ बोल रहे हैं तो आप फ्रंट ऑफ यू जो पीपल्स हैं या जो लोग हैं आपके सामने जो या जिनसे आप उम्मीदें करते हैं तो वो जाहिर है कि वो आपके बारे में कभी भी पॉजिटिवली नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जब भी हम अपने सेल्फ के बारे में निगेटिवली सोचते हैं, हम अपने आप को लूज़र बोलते हैं या कुछ भी अपने बारे में निगेटिव चीज़ हम बोलते हैं तो पॉजिटिव आप नहीं रह पाओगे। सेकंड नेवर की बात करेंगे हम। सेकंड नेवर है हमारा नेवर माइंड फेलियर और रिजेक्शंस। पॉजिटिव हम कब नहीं रह पाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में फेलियर आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, तो हम उन्हें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। या जब भी हम कभी फेल होते हैं या कोई हमें गलत बोल जाता है कहीं पे, हमें कोई रिजेक्ट कर जाता है कहीं पे, तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा माइंड वहाँ पे ऐसे काम करने लगता है कि तू लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, हम खुद में ये सोचने लग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारी जो हैबिट्स है वो ये है, हम फेल को सब कुछ मान लेते हैं, रिजेक्शंस को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन ये आप माइंड में रखें, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये रिजेक्शंस, ये फेलियर आप नहीं, बड़े बड़े जो मतलब ऐतिहासिक रह चुके हैं जिन्होंने लाइफ में अचीवमेंट लिए हैं तो उन्होंने भी फेलियर को देखा है, उन्होंने भी रिजेक्शंस को अपनाया है। तो रिजेक्शंस को आपको अपनाना पड़ेगा, फेलियर को आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप जब ये चीज़ आप एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, हाँ फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शंस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तब आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि रिजेक्शंस और फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का पार्ट है, ये सबके साथ होता है, ये इसलिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है नेवर स्टॉप टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कभी भी आप मतलब अपनी सेल्फ की जो है वो टेक केयर करना बंद ना करें, क्योंकि एक और बहुत बड़ा रीज़न ये होता है जब हम अपने हेल्थ को लेके, अपने माइंड को लेके, अपने ऊपर जब हम वर्क नहीं करते होते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते होते हैं, तो पॉजिटिवली रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो, चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे वो स्किल्स वाइज हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन वाइज हो, तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। क्योंकि जब भी आप अपनी तरफ पूरा फुल्ली मतलब इन चीज़ों को लेके अपनी टेक केयर नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके माइंड में निगेटिव चीज़ें आएंगी कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते होते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वेल फील होती है वो नहीं आएगी खुद को लेकर ही, तो आप पॉजिटिवली कैसे रहेंगे। तो पॉजिटिव आपको रहना है तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब फोर्थ नेवर आपका था नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी आप अपनी लाइफ में लर्निंग को ना रोकें। लाइक आपका जो माइंड सेट है ना, इट शुड बी लाइक कि आप कहीं पर भी स्टैंड हैं, अगर कहीं पर भी आप किसी के साथ हैं तो वहाँ पर जो आपका माइंड सेट होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ लर्नर। आप एक लर्नर की तरह आपका माइंड सेट होना चाहिए, वहाँ पर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं अगर आपका माइंडसेट वैसा है। तो कभी भी आप अपनी लर्निंग को ना रोकें, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो स्किल्स वाइज हो, कहीं पर भी कैसे भी माहौल में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर आप चीज़ों को सीखें। एक जो नज़रिया है ना वो एक लर्नर की तरह होना चाहिए। और ये आप आई होप कि ये चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आप जो है लाइफ में पॉजिटिवली रहना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि ये फोर नेवर आपको मतलब माइंड में हमेशा आपके रहेंगे।